50 प्रतिशत का आरक्षण दिया हम लोगों ने, और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव जीत कर आई। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार हुआ, 27 से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्री परिषद में शामिल करने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है। मित्रों, मेडिकल कॉलेज के अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, यानी हर राज्य में अगर बिहार में 1000 सीट है तो 150 सीट ऑल इंडिया कोटे की है। वैसे करीब 5000 सीट है, इसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने हाल के दिनों में और ईडब्ल्यूएस यानी कॉमन के लिए वीकर सेक्शन और ओबीसी का आरक्षण देने का काम किया। मित्र, हम लोगों ने रोहिणी कमीशन बनाया, जो रोहिणी कमीशन वर्गीकरण करने पर विचार कर रही है कि जिस तरह से कर्पूरी फार्मूला बिहार में है एनेक्शन 1 एनेक्शन 2, उसी प्रकार देश के अंदर भी जो जातियां हमको अलग अलग वर्गों में बांटना, ताकि कुछ खास जातियां ही कि उसका लाभ न उठा। और रोहिणी कमीशन का गठन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आपको शायद मालूम है कि नहीं, कि इस समय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है देश का, उसके चेयरमैन है भगवान लाल सामी, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले बिहार के हैं। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या केवल संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया गया, इसका पहला चेयरमैन बिहार के प्रोफेसर भगवान लाल सामी को बनाने का काम किया।